Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am और मैं आपके लिए लाई हूँ आज mini short on limiting reagent. I know थोड़ा सा ये topic confusing लगता है but आज की class के बाद में आपको ये topic बहुत interesting लगेगा. Also, अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया ना तो जल्दी से उसे subscribe कीजिए और video पूरी end तक ज़रूर देखना. तो चलिए start करते हैं. अगर हम यहाँ पर limiting रिएजेंट की बात करें तो हम आ गए हैं एक फैक्ट्री में. किसकी फैक्ट्री में आए हैं? कार दिख रही है तो हम कार की फैक्ट्री में आए हैं. तो चलिए अभी सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट समझना है कि होता क्या है. तो चलिए अब आपको क्या सोचना है, अगर मैं एक कार की बात करती हूँ तो एक कार को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. हमें पता है लेट अस से कि हमारे पास में 2000 टायर्स हैं और क्या है 1000 मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, यानी कि बॉडी भी तो चाहिए होती है ना कार को बनाने के लिए. और लेट अस से कि 1500 क्या है हमारे पास में इंजन है. तो अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपको ये समझना है कि मुझे पता है कि एक कार को बनाने के लिए कम से कम 4 टायर चाहिए. यस, एक बॉडी चाहिए होगी, एक इंजन चाहिए होगा. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास में इतना सामान है तो आप कितनी कार्स बना सकते हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि कितनी कार्स आप बना सकते हो. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है एक कार के लिए हमें 4 टायर्स तो चाहिए ही चाहिए. तो अगर 2000 टायर्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम 500 कार्स बना सकते हैं, राइट. अगर हम बॉडी की बात करें तो एक की बॉडी चाहिए कंप्लीट, तो ठीक है हम 1000 कार्स बना सकते हैं. और अगर हम इंजन की बात करें तो एक ही इंजन चाहिए होता है, लेट अस से 1500 कार्स हम बना सकते हैं. अब आपसे पूछा गया है कि इतने मटेरियल में आप टोटल कितनी बना पाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, जो चीज सबसे कम है वही तो डिसाइड करेगी ना कि कंप्लीट कार कितनी बनेगी. तो कितनी बनेगी, 500 कार्स बनेगी. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में जी टायर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारे पास में बॉडी रह जाएगी. 500 है तो 1000 में से 500 गया तो 500 बॉडी हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगी. और अगर हम यहाँ बात करें तो 1000 इंजन जो हैं वो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा रह जाएंगे. बट एक बात समझ आ रही है कि ये एक्सेस में रह जाएंगे पर ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि टायर होंगे तभी तो कार बनेगी. तो यहां से हमें क्या समझ आया कि जो चीज कम होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी कार कितनी बन रही है, राइट. तो वो आपका मेन मतलब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, जो कम है और वो कंप्लीटली खत्म भी होता है. तो बस यही लिमिटिंग रिएजेंट है. यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं तो टायर जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. ये क्या हुआ, कैसे, चलिए सेम यही चीज आपकी रिएक्शंस में होती है. लेट अस से कि हमारे पास में एक रिएक्शन है. ओके, यहाँ पर हमारे पास में एक रिएक्शन आ गई लेट अस से कि 2A + 3B जो 4C + D दे रहा है, ठीक है. तो यहाँ आपको पता है कि ये दो आपके रिएक्टेंट्स हैं. आपको यहाँ पर क्या समझना है कि A और B के हमें कुछ मोल्स गिवन होंगे, तो जो रिएक्टेंट कम होगा वो तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा क्योंकि A और B मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं ना. तो जितने जो भी कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ये बात समझ आ रही है. जैसे कि अगर मैं एक सिंपल बात, पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर इसकी बात करेंगे. मान लीजिए A + B जो है वो C + D दे रहा है. अगर ये 4 मोल्स हैं और ये 3 मोल है तो रिएक्शन में मैं अगर देखूं तो एक मोल A एक मोल B के साथ रिएक्ट करता है तो हमें C और D मिलते हैं. अब अगर मेरे पास में 4 मोल A हैं और 3 मोल B हैं तो मुझे कितने C और D मिलेंगे, हम वो कैसे देखेंगे. अब आप ये सोचिए कि A और B साथ में मिलेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो B तो पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो कम है, राइट. B तो सारा का सारा A के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन A में एक मोल जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना, क्योंकि जब एक रिएक्ट करता है तो एक रिएक्ट करेगा, जब इसके दो रिएक्ट करेंगे तो इसके दो रिएक्ट करेंगे, जब इसके तीन करेंगे तो इसके तीन करेंगे. क्या इसका 4 मोल है? है ही नहीं 4 मोल. तो यानी कि यहाँ पर जो B है वो क्या है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है. ये बात समझ आ रही है कि B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और वो रिएक्शन के अंदर कंप्लीट कंज्यूम होगा और वही डिसाइड करेगा कि C और D कितना बनेंगे. A भले ही 4 मोल है, इसकी जगह 5, 6, 7 कितने भी मोल्स हो जाए फर्क नहीं पड़ता, C और D के मोल्स तो B ही डिसाइड कर रहा है ना, 3-3 बन जाएंगे. ये बात समझ आ रही है.
तो बस यही लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्टेंट्स के अंदर कम होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और वही रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होता है। और जो दूसरा रिएक्टेंट है लेट अस से ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेस में रह जाएगा। ये क्या होगा, ये एक्सेस में रह जाएगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, अगर ये क्लियर है तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए अगर आपको एक रिएक्शन दी है 2a plus 3b gives 4c plus d, ठीक है, given number of moles of a taken is equal to 3 and number of moles of b taken is equal to 4, तो number of moles of c कितने हैं। तो जब भी आपको reactant, दोनों के reactant या तीन भी reactant सोच सकते हैं, जब सबके moles दिए होते हैं और product के moles पूछे हैं, तो आपको पता है ना कि इनमें से कोई एक तो limiting होगा, कोई एक तो कम होगा, बाकी ज्यादा होंगे। तो हमें ये find करना है कि limiting reagent कौन सा है। कैसे find आउट करेंगे देखते हैं। अब अगर यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ए कंप्लीटली कंज्यूम हो और ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि बी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो, यस ये भी हो सकता है। अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करें, हो सकता है कि दोनों, यहां पर क्या है, सी बोथ कंप्लीटली कंज्यूम, बिल्कुल सी क्या हो सकता है, हो सकता है कि दोनों ही कंप्लीट एकदम एक जितने हो, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में हो, कंप्लीट रिएक्ट करें और दोनों ही खत्म हो जाएं, बिल्कुल। इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो चलिए यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर एक चीज जो ध्यान रखी जाती है वो ये होती है कि ये टाइप ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं इन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस के अंदर, डायरेक्शन जो होती है वो सिंगल एक ही साइड अज्यूम की जाती है, बैक साइड ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पर अज्यूम नहीं किया जाता, और तभी हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, परफेक्ट। चलिए ये तो नॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये मेरे को इंफॉर्मेशन दी है तो कौन सा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर पता है कि जब दो मोल ए रिएक्ट करते हैं, जब दो मोल ए रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तीन मोल बी रिएक्ट करते हैं, राइट। तो अगर एक मोल ए रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, 3/2 मोल बी रिएक्ट करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं, तीन आपको दिए हुए हैं, यानी कि यहां पर मैं बोल दूं कि अगर तीन मोल ए रिएक्ट करे तो कितने मोल बी रिएक्ट करना चाहिए, 3/2 × 3 मोल बी रिएक्ट करना चाहिए। यह समझ आ रहा है, यस। तो यानी कि 3 × 3 कितना, 9/2, यानी कि 4.5 मोल बी रिएक्ट करना चाहिए। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मेरे पास में तीन मोल ए हैं तो बी के मेरे पास में 4.5 मोल्स होने चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो, क्या आपके पास में बी के 4.5 मोल्स हैं या उससे ज्यादा हैं, बिल्कुल नहीं, आपके पास तो सिर्फ 4 मोल्स ही हैं बी के। तो यानी कि मैं क्या बोल सकती हूं कि बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि तीन मोल ऑफ ए के साथ 4.5 मोल बी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। यहां पर तो सिर्फ 4 ही मोल्स हैं। तो यहां से मुझे समझ आ गया कि बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्लियर है, परफेक्ट। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब आप आगे समझेंगे। आगे अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, दैट ए केस क्या था, ए कंप्लीटली कंज्यूम, क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमने अभी समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम यही चीज, सेम वही है, तो अब हम क्या कहेंगे, दैट केस बी, दैट इज बी कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, वो हमने देखा यूनिटरी मेथड से कि यस ये कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, तो बी ही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म होंगे। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अब मैम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएगी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की। ये तो हम यूनिटरी मेथड यूज करके निकाल रहे थे, लेकिन अब एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए ना, फटाफट हम निकाल सकें। वो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे रेशियो ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए की बात करते हैं तो ए के लिए क्या होगा, जो भी आपके मोल्स ऑफ
ए है वो डिवाइडेड बाय दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है सभी रिएक्टेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, वहां से हम अब ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो मोल्स ऑफ ए गिवन कितने हैं, 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट कितना है, 2, यस। सिमिलरली अगर हम बी केस की बात करें तो मोल्स कितने गिवन है, 4, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट कितना है, 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 4/3। वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आ रही है 1.5 और ये आ रही है, ये क्या है, मोल्स आपको 4 गिवन है और ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 3 है, यस yes. तो अगर हम ये रेशियो देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1.3 समथिंग जो है वो आपका रेशियो आ रहा है फॉर 4/3। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जी ये रेशियो जो है वो कम है। तो जो रेशियो कम होता है जिस रिएक्टेंट के लिए वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अभी जब हमने यूनिटरी मेथड किया तब भी तो हमने यही फाइंड किया था ना कि बी लिमिटिंग रिएजेंट था, यहां पे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ये रेशियो देख के कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन में और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, क्लियर है। चलिए अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझ आया है तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया दैट केस टू इज पॉसिबल, हेंस बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, परफेक्ट। द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट, कोई डाउट नहीं है यहां तक, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर इसके मोल्स गिवन थे, ओके, इसके मोल्स हमें 3 गिवन थे और हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और B के हमें इनिशियल मोल्स 4 गिवन थे। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करके। तो रेशियो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो A के लिए क्या होगा, रेशियो लिख देते हैं यहाँ पर, मोल्स ऑफ A दैट इज 3 डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट विच इज 2। सिमिलरली मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट विच इज 3, राइट। तो अब इसे डिवाइड करते हैं, 3/2 1.5 आ गया, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.3 समथिंग, राइट, यस। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि बी डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सी के मोल्स आपको बताने हैं, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे बड़ा आसान है, 3, आप अगर देखें तो आप बोलेंगे कि जब 3 मोल्स बी के रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल्स सी के फॉर्म होते हैं, 4 मोल्स सी फॉर्म होता है, राइट। तो अगर एक मोल बी का रिएक्ट करेगा तो 4/3 मोल्स सी के बनेंगे, यस। हमें पता है कि बी के कितने मोल्स हैं, 4 है, तो यानी कि 4 मोल जब बी के रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल सी बनेगा, 4/3 × 4 दैट इज इक्वल टू 16/3, यानी कि 16/3 मोल्स ऑफ सी जो है वो आपके फॉर्म होंगे। इतना आसान है आपका आंसर निकालना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। आ गया है, यस, परफेक्ट। तो यहां से हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अब हमारे पास में आ गया एक क्वेश्चन, क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, परफेक्ट। If 2.4 grams of Mg is made to react with 3.2 grams of O2, calculate the mass of MgO formed. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें इसका भी मास गिवन है, इसका भी, और इसकी इंफॉर्मेशन पूछी है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करने के लिए मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स तो हमें आते हैं, यस। अगर हम Mg की बात करें तो लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, MgO सॉलिड, क्लियर है,
यस, मास अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर गिवन है 2.4, राइट? अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, मास मुझे गिवन है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, यस, तो यानी कि इसको मैं 24 से डिवाइड कर देती हूँ। ओ टू की अगर मैं बात करूँ तो 3.2 ग्राम्स मुझे गिवन है, डिवाइड करना है उसको मोलर मास से, दैट इज 32। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.1, ये भी आ गई 0.1। तो हमें कैलकुलेट करना है MgO कितना फॉर्म हुआ है। अब आप लोगों को क्या लगेगा, मैम 0.1 मोल है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो देखना है। चलिए अब लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO कितना है, Mg की बात करें तो नंबर ऑफ मोल 0.1 है, डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, राइट? नेक्स्ट अगर हम देखें O2 की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच इज हाफ, तो जब 1 से हाफ से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो रेशियो आया वो क्या आ गया, ये आ गया 0.1 और ये आ गया 0.2। तो किसका रेशियो कम है, Mg का रेशियो कम है, तो ये क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो Mg जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि Mg डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, और जो O2 है वो एक्सेस में रहेगा, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, बड़ा आसान है, यूनिटरी मेथड यूज करना है, क्या करना है, चलो ये देखो। अगर एक मोल Mg रिएक्ट करता है तो एक मोल MgO फॉर्म होता है। अगर Mg के मोल्स अगर हम देखें तो 0.1 है, तो अगर 0.1 मोल Mg रिएक्ट करेगा तो 0.1 मोल ही तो MgO फॉर्म होगा, यस। तो यानी कि मोल्स ऑफ MgO जो फॉर्म हुए हैं वो कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 0.1, राइट, परफेक्ट। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ MgO फॉर्म, तो मोलर मास ऑफ MgO अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो चलिए मोलर मास ऑफ MgO कितना होगा, बड़ा आसान है। Mg की बात करें तो 24 प्लस ये 16 हो गया, तो ये क्या हो गया, 40 हो गया, 40 ग्राम्स पर मोल है इसका मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है, मोलर मास मुझे पता है, तो क्या मैं मास ऑफ MgO फॉर्म्ड निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। चलिए मास ऑफ MgO फॉर्म्ड इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू मोलर मास विच इज 40 इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। तो यहां से मुझे पता चला कि MgO जो फॉर्म होगा वो होगा 4 ग्राम्स। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता होना जरूरी था, क्लियर है, यस तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। अगर आपको ये क्लियर है तो अब आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो रिएक्टेंट्स के, लिमिटिंग रिएजेंट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट ही कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन में और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, राइट। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, परफेक्ट, यस। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये मिनी शॉर्ट कैसा लगा, एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।